हेलो दोस्तों, ये वीडियो है कोरोना से रिलेटेड। 10 लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को ताकि ये खबर सावधानी सब तक पहुंच सके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जनता कर्फ्यू जो 22 तारीख को है, क्या है मतलब इसका? जनता कर्फ्यू नहीं, जनता केयर फॉर यू है वो। तो ध्यान रखें, इस संडे प्रतिज्ञा करें, घर से बाहर नहीं जाएंगे ना किसी को जाने देंगे। है जो इस चीज को छुपा रहे हैं तो छुपाइए मत, जो भी है बताइए, हेल्पलाइन नंबर पर फोन कीजिए। यदि कोई व्यक्ति आपके घर में या आपके पड़ोस में कहीं बाहर से आया हुआ है तो उसको आइसोलेट करने के लिए 14 दिन तक गवर्नमेंट रखती है, उसको वहां पर रखवाइए। हम सावधान होंगे, हमारी सावधानी से हम भी बचेंगे, हमारे पड़ोसी बचेंगे, हमारा देश बचेगा। तो सावधानी बहुत जरूरी है। खबरें सुनिए, सच्चाई है उस पर गौर कीजिए, सावधानी बरतिए। आप सभी समझदार हैं, समझदारी से इसी का फासला करेंगे तो आने वाली ये बड़ी जंग जो है कोरोना से हम जीत पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस से देश पूरा लड़ रहा है, पूरा विश्व यहाँ से परेशान है और ये स्थिति अभी तक कंट्रोल में नहीं है। कोई छोटी बात नहीं है, थोड़ा सा यहाँ बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। तो ये नहीं है कि ये कोई नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर पूरी तरह से सावधानी रखेंगे तभी इससे छुटकारा पाया जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है, महाराष्ट्र के बहुत सारे बड़े बड़े शहरों पर लॉकआउट कर दिया गया है। आज दिल्ली में भी यही न्यूज आई, आज से सभी मॉल बंद कर दिए गए हैं। सारे व्यापारी वर्ग ने पूरे 3 दिन के लिए अपने सभी संस्थानों को बंद करने की अपील की है। तो शनिवार, रविवार और सोमवार को दिल्ली में भी सब कुछ बंद रहेगा। संडे को जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमें जनता कर्फ्यू का जो आह्वान किया था, तो मेट्रो भी बंद रहेगी संडे के दिन। तो आप सभी से यही अपील है, इस दिन आप घर में ही रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं, कम से कम 10 लोगों को तो इस वीडियो को भेजें ताकि उनको भी पता चल सके संडे के दिन कहीं नहीं जाना है। और एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? और ये मैं तो कहता हूँ, एक दिन नहीं, अगले आने वाले 2 हफ्ते, 10 से 15 दिन अगर ये आप कहीं घर से बाहर नहीं जाते तो उसमें क्या बुराई है? 10 से 15 दिन थोड़ी सी सावधानी रख लेते हैं तो उसमें क्या बुराई है? किसी से नहीं मिलेंगे 15 दिन तो क्या चला जाएगा? बहुत सारी जिंदगियां बच जाएंगी, वायरस जो फैल रहा है वो रुक जाएगा। तो सावधानी रखिए, सावधान कीजिए लोगों को, और जो लोगों को जो बीमारी का पता चल रहा है वहाँ पर थोड़ा सा उन लोगों को बताना होगा गवर्नमेंट को कि मुझे बीमारी है, बुखार है, फीवर है, चेक कीजिए। हमारी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर फोन कीजिए, कोरोना हेल्पलाइन नंबर है। जो ध्यान रखिए अपना, सावधान रहें।